हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने से पहले हमें द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझ लेना चाहिए। आइए समझते हैं रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति लाना। आम बोलचाल की भाषा में इसे चेंज लाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक वाइड स्प्रेड मीनिंग है। आइए उसे समझते हैं। रिवॉल्यूशन, द वर्ड रिवॉल्यूशन मीन्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर टू ब्रिंग अ ह्यूज पॉलिटिकल चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो रिवॉल्यूशन लाने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, एक बड़ा ग्रुप पर्संस का होना चाहिए गैदर। दूसरा, इनका एक ये पर्पस होना चाहिए कि एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेकर आना है। थर्ड, ये जो भी चेंज लाना है ना, इसे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ जाना चाहिए। आई होप रिवॉल्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, किंग कौन था, सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, फिनेंशियल कंडीशन कैसी थी, इसे जानते हैं। ये लेट 18th सेंचुरी की बात है। जब मैं लेट 18th सेंचुरी बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है, मैं कहना चाह रही हूँ 1700 से 1800 के बीच में। तो ये बात है ईयर 1774 की, जब लुईस 16 को, जो कि एक बोर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, एक बहुत ही यंग एज में 20 ईयर्स ओल्ड उसे किंग बना दिया जाता है फ्रांस का। सेम ईयर पे उसकी शादी करवा दी जाती है। उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस एंटोनियट से। अब माजरा क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे वजह क्या थी, अब इसे जान लेते हैं। जब ईयर 1774 में लुईस 16 को किंग बनाया गया, जब उन्हें थ्रोन पे बिठाया गया, तब जो एम्पायर का खजाना था या ट्रेजर था, वो बिल्कुल ही खाली था। 1774 के पहले ही वो खाली हो गया था, जिस टाइम पे किंग लुईस 16 किंग बने। अब ये क्यों था ट्रेजर एम्प्टी, इसके पीछे वजह जान लेते हैं। 1774 के पहले ही फ्रांस था जो बहुत सारे वॉर्स में इंडल्ज था, बहुत सारे वॉर्स में वो पार्टिसिपेट कर चुका था। जब हम वॉर्स पे पार्टिसिपेट करते हैं तो आर्म्स पे, वेपन्स पे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो एक ह्यूज अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था फ्रांस का। सेकंड, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रांस ने ब्रिटेन से, अमेरिकन कॉलोनीज़ को, एक दो कॉलोनीज़ को नहीं, पूरी 13 कॉलोनीज़ को अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रांस ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट दिलाई थी। इस पर काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च हुआ था। तीसरा, पैलेस था इनका वर्सलीस में, फ्रांस में एक पैलेस था वर्सलीस नाम की जगह पर, इसके मेंटेनेंस में हर ईयर बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंड होता था। अब इतने सारे एक्सपेंडिचर के लिए मनी तो चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है फ्रांस ने कहीं ना कहीं से तो लोन लिया ही होगा। अब लोन लेने वाला इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट था 10%। अब इतने सारे एक्सपेंसेस की वजह से जो फ्रांस का ट्रेजर था वो बिल्कुल खाली हो गया था। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे अदर एक्सपेंडिचर्स में, जिसे इंक्लूड किया जाता है, जैसे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना, पोस्ट ऑफिस, स्कूल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल, इन सारी चीज़ों पे खर्च होता था। सो गवर्नमेंट को मनी रेस करनी थी, उनका खजाना तो बिल्कुल खाली था, तो गवर्नमेंट ये मनी कैसे वसूल करती थी, टैक्सेस लगा के, ठीक है। सो टैक्सेस के सिस्टम को हम बाद में जानते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। सो सोसाइटी तीन कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इन कैटेगरीज को हम एस्टेट्स कहकर बुलाते हैं। फर्स्ट एस्टेट पे थे क्लर्जी क्लास, जिसमें प्रीस्ट, चर्च इंक्लूडेड था। सेकंड एस्टेट था नोबेलिटी, इसमें किंग, किंगडम, मिनिस्टर्स और किंग के अंडर काम करने वाले सारे लोग इंक्लूडेड थे। थर्ड एस्टेट में स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन और मेनली यहाँ पे फार्मर्स, पीजेंट्स, ये लोग इंक्लूडेड थे। जितनी पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, उसकी 90% ऑफ पॉपुलेशन आती थी, इंक्लूडेड थी थर्ड एस्टेट में।
और तो और फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट दे बोथ इन्जॉय प्रिविलेज बाय बर्थ, इन्हें बाय बर्थ प्रिविलेज दिया जाता था, ये दोनों टैक्स भी पे नहीं करते थे, ये दोनों कैटेगरीज फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट बोथ वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, सो सारा टैक्सेस का बर्डन जो आता था वो थर्ड एस्टेट पे आता था। यहाँ तक जो थर्ड एस्टेट के पीजेंट थे उनके पास जो फार्मर्स थे उनके पास अपना कोई लैंड नहीं था, जो लैंड था उसका 60% पार्ट चर्च को बिलोंग करता था, ये पुअर फार्मर्स चर्च के लैंड पे ही काम किया करते थे। आइए अब हम टैक्सेस समझ लेते हैं। दो तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, एक चर्च लगाता था और एक डायरेक्ट गवर्नमेंट वसूल किया करती थी पीजेंट से। सो जो चर्च टैक्सेस लगाता था उसका नाम है टाइट। टाइट में ये होता था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसका 10% आपको चर्च को देना होगा, और जो टाइल टैक्स था वो डायरेक्ट किंग वसूल करते थे या गवर्नमेंट वसूल करती थी। सारा एज आई टोल्ड यू बिफोर फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट बोथ वर एग्जेम्प्टेड और सेट फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, तो सारा बर्डन जो टैक्सेस था जितनी बार टैक्स इंक्रीज होते थे सारा बर्डन आता था थर्ड एस्टेट पे, नॉर्मल पीपल पे। सो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि ये लोग अपने सर्वाइवल को भी स्ट्रगल करने लगे थे। अब इनके सर्वाइवल के स्ट्रगल को समझ लेते हैं। हुआ ये था 1715 तक फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो 1789 आते आते बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी लेकिन रिसोर्सेस तो उतनी ही थी, जो सप्लाई थी वो डिमांड को मीट नहीं करती थी, दोनों में बहुत बड़ा डिसबैलेंस था, काफ़ी बड़ा गैप था सप्लाई और डिमांड पे। जब सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, प्राइजेस हाइक होते हैं। तो ऐसे में ये जो थर्ड एस्टेट के पीपल थे जो 90% ऑफ पब्लिक थी ये तो अपने सर्वाइवल को भी स्ट्रगल करने लग गई थी। इवन उस टाइम पे जो स्टेपल फूड था इनका ब्रेड, उसके भी प्राइस इतने बढ़ गए थे कि आम इंसान तो खाने को भी तरसने लगा था। जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसके जो किंग थे वो लोगों की सिचुएशन से को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट थे, इससे ये सिचुएशन जो थी वो पहले से ही प्रॉब्लमेटिक थी, अब और ज़्यादा सीवियर हो गई थी, और हर दूसरे साल ड्रॉट और हेल की स्थिति भी बनी रहती थी जिससे हार्वेस्ट ख़राब होने लग गया था। इससे एक सिचुएशन आई जिसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस उस एक्सट्रीम सिचुएशन को कहते हैं जब हम सर्वाइव करने के लिए भी, सर्वाइवल के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स, क्लोदिंग, फूड, शेल्टर जिसमें इंक्लूडेड है। तो ये तीनों चीज़ को लोग फुलफ़िल करने के लिए तरसने लग गए थे, लेकिन किंग को इनकी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में ये हुआ कि पब्लिक में एक क्योस की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच मीनवाइल मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्टेबल हो रही थी, और ये विरोध करने लगे थे प्रिविलेज बाय बर्थ पॉलिसी का। तो ऐसे में इन्होंने सोचा रिवॉल्ट करने का। सो क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू रिवॉल्ट। 7,000 पीपल गैदर टुगेदर टू फॉर्म अ पब्लिक मिलिट। 14 जुलाई 1789 को ये हुआ। दे डिसाइडेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, क्योंकि उनको लगता था ये जो सारे डिफेंस, जो किंग के अपने सारे वेपन्स, अपने सारे पावर, ये जो हैं ये बेसल नाम की जगह पे इन्होंने अटैक किया, मेनली एक सेल को, एक जेल को अटैक किया, इसमें कमांडर को मार दिया गया और 7 प्रिजनर्स वर सेट फ्री। इस तरह से शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अब मीनवाइल एक फिलोसोफर क्लास वहाँ पे ग्रो कर रही थी और वो भी अगेंस्ट थे इस प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ आइडियोलॉजी के। सो मेनली तीन फिलोसोफर हुआ करते थे उस टाइम पे। फर्स्ट वन का नाम है जॉन लॉक। इन्होंने एक बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट।
जिसमें इन्होंने किंग के सर्वोपरि होने के सिद्धांत को बिल्कुल नकारा, उसका विरोध किया और सारे राइट्स मोनार्क के पास नहीं होने चाहिए, उन्होंने ऐसा भी कहा। सेकेंड वन रूशो, इन्होंने ऐसी गवर्नमेंट सुझाई जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, चाहे वो किंग हो या चर्च के लोग हो या प्रीस्ट हो। थर्ड वन मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉस। जैसा आज हम सिस्टम अपने इंडिया में देखने को मिलता है हमें, जिसमें कि पावर को डिवाइड किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये इन्होंने ही सुझाया था। सो आई होप यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो वी आर वाइंडिंग अप आवर क्लास टुडे। थैंक यू सो मच।